दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने आरसी में कैसे एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। और बाकी अगर आपको सीखना है कि ड्राइविंग लाइसेंस में कैसे एड्रेस को चेंज करा जाता है तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है। अगर आपको उस वीडियो को देखना है मैं आई बटन पे दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगा उस वीडियो का लिंक, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। और बाकी इस वीडियो में हम सीखते हैं कि आरसी में कैसे एड्रेस को चेंज किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा एंड तक देखें जिससे आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले लिखना है आपको गूगल पे परिवहन, उसको सर्च कर देना है और फिर ये फर्स्ट लिंक आएगा परिवहन सेवा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। तो इस लिंक को आपको ओपन कर लेना है। फिर यहाँ पर जाएंगे ऑनलाइन सर्विस में और यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा व्हीकल रिलेटेड सर्विस, तो इस पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जैसे मैं दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर इस तरह एक पेज आएगा और यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा हुआ आएगा और लिखा हुआ आएगा फेसलेस इन ऑल आरटीओ ऑफिस ऑफ दिल्ली। इसका मतलब यह है कि आपको आरटीओ जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस ऑनलाइन फॉर्म भरना है चेंज ऑफ एड्रेस के लिए और फिर जो आपका आरसी है वो आपके घर पे आ जाएगा पोस्ट ऑफिस के द्वारा। फेसलेस मतलब है कि आपको आरटीओ जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस ऑनलाइन फॉर्म भरना है और जो आपका आरसी है वो पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपके घर के एड्रेस पे आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ क्लोज कर देता हूँ। और यहाँ पर एक है रजिस्टर, एक है लॉगिन। तो अगर आप इस वेबसाइट पे पहली बार आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक करना है। अगर आपका यहाँ पर अकाउंट है पहले से तो आप लॉगिन कर सकते हैं। जैसे मेरा अकाउंट नहीं है तो मैं यहाँ रजिस्टर पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम भर लेना है, फिर ईमेल आईडी भर लेना है। याद रहे, जो ईमेल आईडी आप डालेंगे वो आपकी यूजर आईडी होगी और मोबाइल नंबर आपके तो पूरा भर लेना है। और सिलेक्ट स्टेट है यहाँ पर, तो यहाँ से आप दिल्ली से या सिक्किम से तो आपको वो स्टेट सिलेक्ट कर लेना है और फिर उसके बाद आपको यहाँ कैप्चा डाल देना है और फिर रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपकी आईडी वो बन चुकी है सक्सेस न्यू यूजर सक्सेसफुल क्रिएटेड काइंडली चेक योर ईमेल, कुछ इस तरह आपके पास आ जाएगा लिखा हुआ और आपके ईमेल में एक मैसेज आया हुआ तो आपको उसको चेक करना है। तो जैसे जो मैंने मेल डाला था तो वो मेल मैंने ओपन कर लिया यहाँ पर, तो यहाँ पर ये मैसेज आया हुआ है और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बोल रहा है प्लीज कन्फर्म योर ईमेल एड्रेस बाय क्लिकिंग द लिंक बिलो। तो ये जो इधर लिंक दिया हुआ है यहाँ पर कन्फर्म ईमेल एड्रेस का, तो इस लिंक पे मुझे क्लिक करना है जिससे इनको कंफर्म हो जाएगा कि ईमेल आईडी जो मैंने दी है वो सही है। तो इस पे मुझे क्लिक करना है, तो इस पे आप क्लिक कर देंगे। तो इस पे जैसे मैंने क्लिक करा है कुछ इस तरह पेज ओपन हो गया, तो यहाँ पर ऊपर ये ईमेल आईडी आ गई है यहाँ पर और यहाँ पर बोल रहा है ओटीपी। तो ओटीपी आपके जो ईमेल पे ओटीपी आया है वो डालना है। तो जैसे ये जो ओटीपी है यहाँ पर मेरा इधर ये आया है ओटीपी, तो यही ओटीपी मुझे यहाँ पर डाल देना है। और फिर आपको यहाँ पर नीचे आपको पासवर्ड बना लेना है और जो पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे वही कंफर्म पासवर्ड सेम एज इट इज वही डाल देना है। तो यहाँ पर जो पासवर्ड मैंने इधर डाला है वही पासवर्ड सेम एज इट इज मैंने यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड में यहाँ पर डाल दिया है। और फिर यहाँ पर आपको चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आ गया सक्सेस करके और पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएटेड। तो जो यूजर आईडी है वो यूजर आईडी आपकी ईमेल आईडी है और जो पासवर्ड अभी आपने बनाया वो पासवर्ड डाल के और यहाँ कैप्चा डाल के आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। और फिर जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे दोबारा कुछ इस तरह पेज आ जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशन करके। तो मैंने बताया था अगर आप दिल्ली सिक्किम से होंगे तो कुछ इस तरह पेज आएगा। अब मुझे एड्रेस को चेंज करना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है चेंज ऑफ एड्रेस इन आरसी, तो इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं व्हीकल रिलेटेड सर्विस, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो यहाँ पर आपको अपना गाड़ी का नंबर डालना है और यहाँ पर चेसिस नंबर लास्ट 5 डिजिट लिखा हुआ है। तो ये आप जो आपका पुराना वाला जो आरसी होगा उसमें लिखा होगा चेसिस नंबर, या तो चेसिस नंबर करके लिखा होगा या तो लिखा होगा CH नंबर। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मिल जाएगा और उसमें जो लास्ट की जो 5 डिजिट है वो आपको इधर लिखना है। और फिर उसके बाद ये जो दो ऑप्शन है इनको आपको नोई पे रहने देना है और यहाँ पर आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। फिर कुछ इस तरह पेज ओपन होगा, तो इसको नीचे करेंगे और यहाँ से क्लोज कर देंगे। फिर ये पूछ रहा है डू यू वांट टू प्रोसीड विद आधार बेस्ड EKYC, इसका मतलब ये है क्या आप अपना आधार कार्ड से लिंक करना चाहते हैं। मतलब अगर आपके आधार कार्ड में जो आप एड्रेस चेंज करवा रहे हैं आरसी में, अगर आपका आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट हो रखा है तो आप उससे लिंक कर सकते हैं, तो आप इस पे यस पे क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आपके आधार कार्ड पे भी एड्रेस अपडेट नहीं है तब आप नो पे क्लिक करेंगे और फिर आपको खुद मैनुअल टाइप करके आपको एड्रेस टाइप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो आधार कार्ड है उसमें एड्रेस अपडेट हो रखा है मेरे में, तो इसलिए मैं यहाँ पर यस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर इस तरह मैसेज आ जाएगा, ओके पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डाल देना है। तो यहाँ पर आधार नंबर डाल दिया, अब इस बॉक्स पे टिक करके जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है।
अब इसके बाद जो आपके आधार कार्ड नंबर पे जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पे एक ओटीपी गया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर डाल देना है। तो इधर मैंने ओटीपी डाल दिया, अब यहाँ पर मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपकी गाड़ी की पूरी डिटेल आ जाएगी और फिर इसको एक बार वेरीफाई कर लेना है और यहाँ पर आपको ये नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब ये पूछ रहा है कि कौन सी सर्विस आपको लेनी है, तो मुझे आरसी में एड्रेस को चेंज करवाना है, तो यहाँ पर चेंज ऑफ एड्रेस इन आरसी लिखा हुआ है, तो इस वाले बॉक्स पे टिक कर देंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर कुछ इस तरह पेज ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ EKYC डेमोग्राफिक डिटेल, जो आपके आधार कार्ड पे एड्रेस होगा वो यहाँ पर करंट एड्रेस में लिखा हुआ आ जाएगा। एक बार वेरीफाई कर लेना है और फिर उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और फिर यहाँ पर करंट एड्रेस पूछ रहा है, परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको अपना करंट एड्रेस पूरा यहाँ पर डाल देना है, हाउस नंबर, विलेज, टाउन, लैंडमार्क, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है और यहाँ पर पिन कोड कौन सा है वो डाल देना है। और फिर जो आप करंट एड्रेस में टाइप करेंगे वही आपको परमानेंट एड्रेस में टाइप कर देना है। और यहाँ पर अगर आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आपको इस वाले बॉक्स पे टिक कर देना है, और जब ये आपका ये पूरा इधर एड्रेस भर जाए तब आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दें। फिर जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह सक्सेस करके आ जाएगा और यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देना आपको। फिर यहाँ पर आपकी इंश्योरेंस डिटेल आ जाएगी, जो भी आपने गाड़ी का जो इंश्योरेंस करवा रखा होगा उसकी यहाँ पर इधर डिटेल आ जाएगी और यहाँ पर आपको फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आएगा ई साइन के लिए, क्लिक हेयर टू ई साइन डॉक्यूमेंट, इस पे क्लिक कर देना है। फिर क्लिक करने का कुछ इस तरह पेज आएगा और फिर यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, और याद रहे जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे वो 500 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो PNG, JPG या PDF में ही होना चाहिए डॉक्यूमेंट। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है Form 33, तो यहाँ पर जो ये PDF है तो इसको ओपन कर लेना, इसको इस पे आप क्लिक करेंगे इस PDF है तो ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह जो PDF है ये ओपन हो जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है देख सकते हैं Form 33, तो ये Form 33 ये देख सकते हैं पूरा ऊपर से नीचे तक यहाँ पर पूरा ब्लैंक है, तो इसमें आपको कुछ साइन करना है तब जाके आपको इस जो Form 33 है तब आपको इसको री अपलोड करना है। तो मैं बता देता हूँ आपको कहाँ कहाँ सिग्नेचर करने, इसको अगर आप नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपके इधर ये पुराना वाला एड्रेस होगा और यहाँ पर आपका नया वाला एड्रेस होगा जो आपका आरसी में प्रिंट होने वाला है। तो जो भी आपका आरसी में प्रिंट होगा एड्रेस वो ये वाला होगा जो यहाँ पर लिखा होगा। और नीचे करेंगे तो यहाँ पर पूछ रहा है नेम एंड फुल एड्रेस ऑफ फाइनेंस, तो यानी अगर आपकी गाड़ी फाइनेंस में है तो उसका नाम और फुल एड्रेस यहाँ पर आपको लिख देना है, और अगर आपकी गाड़ी फाइनेंस में नहीं है तो ये वाला कॉलम ब्लैंक छोड़ देना है आपको। और यहाँ पर है सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन ऑफ द रजिस्टर्ड ओनर ऑफ व्हीकल, यानी जिसके नाम पे गाड़ी है उसको यहाँ पर साइन करने है आपने। और यहाँ पर नीचे करेंगे तो यहाँ पर दोबारा सिग्नेचर ऑफ द फाइनेंस है, गाड़ी अगर फाइनेंस में आपकी तो यहाँ पर साइन कर देना वरना इसको ब्लैंक छोड़ देना आपको। और यहाँ पर डेट भी इधर डाल देना, और इसको यहाँ पर नीचे करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है स्पेसिफिक सिग्नेचर ऑफ द रजिस्टर्ड ओनर, तो यहाँ पर इधर 1 लिखा हुआ है और यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो जिसके नाम पे गाड़ी है उसको यहाँ पर 2 साइन करने, एक 1 के सामने साइन करने, एक 2 के सामने इधर साइन करने है। और अगर आपकी गाड़ी फाइनेंस में है तो जहाँ से आपने फाइनेंस करवाया है तो यहाँ पर आपको साइन करने है, आपको नहीं करने, जहां से आपने फाइनेंस करवाया है तो उसको यहाँ पर साइन करने, इधर 1 के सामने और यहाँ 2 के सामने। और गाड़ी फाइनेंस में नहीं है तो ये वाला कॉलम पूरा ब्लैंक रहेगा, खाली आपको यहाँ पर साइन करने जिसके नाम पे गाड़ी है। तो मैंने आपको दोस्तों बता दिया कि कहाँ कहाँ आपको सिग्नेचर करने है, तो आप पहले इस PDF को प्रिंट निकाल लीजिए और फिर उसके बाद जहाँ जहाँ मैंने आपको सिग्नेचर करने के लिए बताया था तो वहाँ वहाँ आपको साइन कर लेना है, और फिर उसके बाद आपको इसी वेबसाइट पे आके अब यहाँ पर आपको अपलोड करना है। अब अपलोड कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो Form 33 है तो इसके आगे यहाँ पर ये डिलीट वाला आइकन है, तो इस ये जो डिलीट वाला आइकन है तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो आपकी PDF है वो डिलीट हो जाएगी। अब आपको एक नया PDF यहाँ पर अटैच कर लेना है, तो नया PDF वही अटैच करना जो आपने साइन करके आपने PDF के रूप में आपको बनाया है। तो आपको साइन करके, अगर आपके पास स्कैनर है तो आप स्कैन कर सकते हैं, स्कैन करके PDF बना सकते हैं, या तो आप मोबाइल से फोटो क्लिक करके आप उसको PDF के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पर चूज फाइल करके आपको उस PDF को यहाँ पर अटैच कर देना है। तो मैं चूज फाइल करके अटैच कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मैंने चूज फाइल करके इधर PDF पे अटैच कर लिया। तो एक बार आपको इसको क्लिक करके ओपन करके एक बार देख लेना कि जो PDF आपने अटैच करी है वो सही तो है, अगर गलत है तो दोबारा डिलीट करके आपको सही वाली PDF को अटैच कर लेनी है। तो जैसे मुझे एड्रेस चेंज करना है तो यहाँ पर न्यू एड्रेस प्रूफ है, इस पे टिक कर देंगे और इस वाले बॉक्स पे क्लिक करके
यहाँ पर आपको अपना डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लेना, याद रहे जो इधर डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करेंगे उसी डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड भी करना है। तो यहाँ पर मैं आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ कि मुझे आधार कार्ड से ही अपडेट करवाना है, तो आधार कार्ड यहाँ सिलेक्ट कर लिया और चूज फाइल करके अपने डॉक्यूमेंट को अटैच कर लेना। याद रहे जो डॉक्यूमेंट आप अटैच करेंगे वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, मतलब उस डॉक्यूमेंट में आपके साइन भी होना चाहिए। मतलब जैसे कि अगर आप आधार कार्ड को अटैच करें तो आधार कार्ड की आप फोटो कॉपी करवा लीजिए और उसमें आप अपने साइन कर लीजिए, बीच में आप अपने साइन कर लीजिए और फिर उसके बाद या तो उसकी फोटो क्लिक कर लीजिए या तो स्कैन कर लीजिए और तब जाके आप यहाँ पर चूज फाइल करके उस डॉक्यूमेंट को अटैच करें। यहाँ पर याद है उसमें आपके साइन जरूर होना चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने आधार कार्ड सेलेक्ट करा हुआ है, तो यहाँ पर मैं चूज फाइल करके अटैच कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अटैच कर लिया है और फिर इस पे क्लिक करके आप उस डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं कि जो आपने डॉक्यूमेंट अटैच करा वो कहीं गलत अटैच नहीं कर दिया। अगर गलत अटैच करा है तो यहाँ पर इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगा और फिर दोबारा इधर चूज फाइल का ऑप्शन पे क्लिक करके आप अटैच कर सकते हैं। तो जो डॉक्यूमेंट है वो मैंने सही अटैच कर रखा है और फिर उसके बाद यहाँ पर आई हैव रीड आ रहा है, इधर इस वाले बॉक्स पे टिक करके आपको ई साइन वाले पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको आधार नंबर पूछेगा तो यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डाल देना है और फिर गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है आपको। फिर आपको उसी नंबर पे ओटीपी गया होगा जो आपके आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर लिंक है, तो आपको यहाँ पर ओटीपी डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद इस वाले बॉक्स पे टिक करके सबमिट पे क्लिक कर देना है आपको। फिर यहाँ पर आएगा डॉक्यूमेंट हैव बीन ई साइन सक्सेसफुली। फिर इस डॉक्यूमेंट पे आप यहाँ पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर गो बैक पे क्लिक कर दे आप। यहाँ पर इधर सक्सेस आ रहा है तो यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर मेरा आधार कार्ड से अटैच कर रखा है तो यहाँ पर ई केवाईसी डिटेल आ गई है पूरी, तो यहाँ पर आपको एक बार वेरीफाई कर लेना है, इधर नाम, फादर नेम और जो एड्रेस है इसको एक बार वेरीफाई कर लेना है आपको। और फिर यहाँ पर आपको प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर इधर फी डिटेल आ गई है तो यहाँ पर आपको पेमेंट करना है, तो यहाँ पर इधर पूरा पेमेंट आ रखा है कि चेंज ऑफ एड्रेस इन आरसी इतना पेमेंट लगेगा, पोस्टल फी इतना पेमेंट लगेगा और फिर जब एड्रेस चेंज हो जाएगा तो प्लास्टिक कार्ड फी है इतना। तो ये पूरा टोटल इधर आ गया, इधर पूरा टोटल पेमेंट की आपको कितना पेमेंट देना है और फिर मेक पेमेंट एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे फिर आप पेमेंट कर सकेंगे। फिर यहाँ पर आपको टिक कर देना है और कन्फर्म पेमेंट करना है, इतना आपका पेमेंट लगेगा तो यहाँ पर आपको कन्फर्म पेमेंट पे क्लिक कर देना है और फिर यहाँ पर सिलेक्ट पेमेंट गेट वे है तो यहाँ पर आपको SBI ईपे सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर टिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। और फिर सेम वही आपको अपना कार्ड नंबर डालना है, एक्सपायरी डेट वगैरह सब अपना डाल के, नेम ऑफ कार्ड होल्डर डाल के पे नाउ पे क्लिक कर देना आपको। तो फिर यहाँ पर इधर पेमेंट हो रही है और फिर यहाँ पर आपकी जो रिसिप्ट है वो निकल के आ जाएगी, तो इधर ये पूरी आपकी पेमेंट हो चुकी है यहाँ पर। और फिर उसके बाद यहाँ पर आपके इधर प्रिंट रिसिप्ट है, ये प्रिंट रिसिप्ट आपको क्लिक करके आपको या तो PDF के रूप में सेव कर लेना या तो अगर आपके सिस्टम में प्रिंटर अटैच है तो आप प्रिंट निकाल सकते हैं। तो मैं उसको PDF के रूप में सेव कर लेता हूँ प्रिंट रिसिप्ट करके। यहाँ पर सेव एज PDF है, अगर आपको प्रिंट निकालना तो प्रिंट भी निकाल सकते हैं वरना PDF के रूप में भी सेव कर सकते हैं। सेव एज PDF करके यहाँ पर मैंने इधर सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सेव कर दिया PDF में और फिर इसके बगल में भी एक ऑप्शन है फॉर्म 33, तो इस पे क्लिक करके और यहाँ पर एक लास्ट में देखेंगे ऑप्शन प्रिंट है, तो प्रिंट करके आपको सेव एज PDF कर ले या तो आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ सेव एज PDF करके सेव कर लेता हूँ मैं। तो आपको ये दो डॉक्यूमेंट सेव कर लेना है, ये फॉर्म 33 और प्रिंट रिसिप्ट करके आप PDF के रूप में भी सेव कर सकते हैं या प्रिंट भी निकाल सकते हैं। और फिर ये आपका इतना हो गया, ये कंप्लीट पेमेंट हो गई है, तो जो आपने चेंज ऑफ एड्रेस RC के लिए रिक्वायर्ड डाली थी वो सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है एप्लीकेशन नंबर, तो इसके सामने जो नंबर लिखा हुआ है इसको आपको कॉपी कर लेना है। जो आप रिसिप्ट डाउनलोड करेंगे तो कुछ इस तरह रिसिप्ट आपको दिखेगी, तो ये जो इधर एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ है इसके सामने जो ये नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर ये जो इधर नंबर लिखा हुआ है तो इसको आपको कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद यहाँ पर स्टेटस पे जाएंगे और यहाँ पर नो योर एप्लीकेशन स्टेटस है तो इस पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर पूछ रहा, तो जो मैंने आपको बताया था एप्लीकेशन नंबर कॉपी करने के लिए उसको वहां से कॉपी करके यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है, तो इसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो ये पेस्ट नहीं हो रहा तो इसको मैं कीबोर्ड की मदद से टाइप कर ले जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है। तो ये एप्लीकेशन नंबर डाल दिया और जो कैप्चा यहाँ लिखा होगा सेम एज इट इज वो कैप्चा यहाँ डाल देना है और सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर इधर पूरी डिटेल आ जाएगी और फिर चेंज ऑफ एड्रेस इन RC, यहाँ पर सर्विस टाइप लिखा हुआ चेंज ऑफ एड्रेस RC और यहाँ पर नीचे देखेंगे यहाँ पर स्टेटस
follows at RTO. तो अप्रूव स्टेटस यहाँ पर देख सकते हैं अभी पेंडिंग में है, क्योंकि अभी हमने फॉर्म को सबमिट करा तो अभी ये पेंडिंग में है, तो आपको उसको 10 से 15 दिन वेट कर लेना है। तो यहाँ पर पूरा कंप्लीट लिखा हुआ आ जाएगा, जैसे यहाँ कंप्लीट लिखा हुआ आएगा तो जो आपका RC है वो पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपके घर पे आ जाएगा। जो भी आपने नए एड्रेस को अपडेट करवाया उस एड्रेस पे आपका RC रिसीव हो जाएगा पोस्ट ऑफिस के द्वारा। अब दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको एड्रेस चेंज करना आ गया होगा RC में। और दोस्तों जैसा मैंने जो आपको तरीका बताया है स्टेटस चेक करने का, तो आपको ऐसी बीच बीच में स्टेटस को चेक करते रहना है ताकि आपको अपने स्टेटस के बारे में जानकारी मिलते रहे। और इसमें एक जरूरी बात और मैं बता दूं, जो आपके पास RC है वो RC आपके पास नहीं रहेगी, वो आपको RTO में जमा करना पड़ेगा। और RTO में कैसे जमा करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा, जो आपके पास RC है वो आपको बाय पोस्ट RTO में जमा करनी पड़ेगी, यानी स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा। तो जो आप स्पीड पोस्ट करेंगे वो कुछ इस तरह आप एनवलप में डाल के इसमें रखेंगे, ये मुश्किल से 2 से 3 रुपए का आता है। आप किसी भी स्टेशनरी की दुकान में जाकर वहाँ पर इस तरह का जो एनवलप है वो ले सकते हैं, और इस एनवलप के अंदर आपको RC डाल देना है। और जो फॉर्म 33 आपने जो सिग्नेचर के साथ आपने फिल करा है फॉर्म 33, तो वो भी इसके अंदर आपको फोल्ड करके इसमें डाल देना है। और जो फीस पेमेंट करी थी, जो फी रिसिप्ट निकली थी आपकी, वो डाल देना है। यानी 3 चीज डालनी है, एक जो आपके पास RC है वो रखना इसमें डालना है, और जो फॉर्म 33 है वो इसके अंदर डालना है, और जो आपने फीस पेमेंट करी थी जो फी रिसिप्ट निकली थी वो डालना है। याद रहे जो फॉर्म 33 डालेंगे उसमें साइन होनी चाहिए, जो आपने अपलोड करे थे अपने वेबसाइट पे वही फॉर्म 33 डालना है। और जो भी इसमें डॉक्यूमेंट आप डाल रहे हैं तो सबकी आप एक या दो फोटोकॉपी करवा के अपने पास रख ले एज अ प्रूफ कि आपके पास एक प्रूफ रहा है। यानी जो आप RC इसमें डालेंगे उसकी फोटोकॉपी करवा लीजिए, फॉर्म 33 जो आप फोल्ड करके इसमें डालेंगे उसकी फोटोकॉपी करवा लीजिए, और जो आपने पेमेंट करी थी जो फीस रिसिप्ट निकली थी उसकी फोटोकॉपी करवा लीजिए। तो जितनी भी आप फोटोकॉपी करवाएंगे वो सारी आप अपने पास रखें और सारे ओरिजिनल इसमें आप डाल दीजिए, और उसको फोल्ड करके यहाँ पर आपको एड्रेस लिख देना है, और फिर आपको पोस्ट ऑफिस जो आपका नजदीकी पोस्ट ऑफिस होगा वहां पर जाके आपको पोस्ट कर देना है RTO के एड्रेस पे। और बाकी अगर आपको डिटेल में जाना है कि कैसे स्पीड पोस्ट करा जाता है तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, अगर आपको उस वीडियो को देखना है मैं उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन पे दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं और वहां से आप डिटेल में सीख सकते हैं कि कैसे स्पीड पोस्ट करा जाता है। और बाकी इसमें एक जरूरी बात मैं और बता दूं कि आपको एक बार कंफर्म कर लेना है कि जो भी आपका RTO है वो स्पीड पोस्ट से लेंगे या आपको खुद से जाना पड़ेगा, RTO RC को ले जाके खुद जमा कराना पड़ेगा। तो एक बार कंफर्म कर लेना। कंफर्म कैसे करेंगे, यहाँ पर मैं एक नंबर दे रहा हूँ आपको, यहाँ पर जो नंबर है 1076, तो इस नंबर पर आपको कॉल करके, ये कस्टमर केयर नंबर है, इस नंबर पर आपको कॉल करना है और पूछना है कि जो मेरे पास RC है वो मुझे स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा या मुझे खुद से जाकर RTO में जमा करवाना पड़ेगा, तो वो आपको बता देंगे। और बाकी अगर आप इस नंबर से अगर आपको मदद नहीं मिलती है तो आप जैसे परिवहन की वेबसाइट ओपन करेंगे तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस लिखा हुआ है, कॉन्टेक्ट अस पर क्लिक करके यहाँ पर इधर ये नंबर है, इस नंबर पर कॉल करके आप मदद मांग सकते हैं। अगर आपको इन दोनों नंबर से मदद नहीं मिलती है तब एक बार आप RTO विजिट कर ले और फिर उसके बाद आप उनसे पूछ लीजिए जो मेरे पास RC है वो मुझे स्पीड पोस्ट के द्वारा RTO में जमा करवाना पड़ेगा या मुझे खुद से RTO में जाकर जमा करवाना पड़ेगा अपनी RC को। तो एक बार आप पहले कंफर्म कर ले तभी आप स्पीड पोस्ट करें। वैसे जो मैक्सिमम RTO है वो बोलते हैं कि स्पीड पोस्ट से ही आप RC को RTO के एड्रेस पर जमा करवाए, लेकिन तभी भी एक बार आपको कंफर्म कर लेना, आपको कोई रिस्क नहीं लेना। और अगर आपको RTO का एड्रेस नहीं पता कि RTO का एड्रेस क्या है, तो जो आप फीस रिसिप्ट निकालेंगे उसमें RTO का एड्रेस लिखा होगा, तो उसी RTO में जाकर आपको पता करना है। और जैसा अगर वो बोलेंगे कि स्पीड पोस्ट करना है तो आपको वही एड्रेस आपको एनवलप के अंदर लिखना है। और बाकी कैसे स्पीड पोस्ट करते हैं उसके बारे में मैंने एक वीडियो बना रखी है, आई बटन पे दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन पे मैं पहले से दे रखा है, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। और जब आपका RC RTO के एड्रेस पे जमा हो जाएगा और जो डॉक्यूमेंट मैंने बताया था वो जमा हो जाएंगे आपके RTO के एड्रेस पे बाय स्पीड पोस्ट या कैसे भी जो भी आपको बताए, तो उसके बाद आपके स्टेटस में यहाँ पर अप्रूव करके लिखा हुआ आ जाएगा। तो अप्रूव लिखा हुआ आ जाएगा तो 10 से 15 दिन में आपके जो नए वाला एड्रेस आपने डाला था उस एड्रेस पे आपकी जो RC है उस एड्रेस पे पहुंच जाएगी। और इस स्टेटस में यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर नीचे ट्रैकिंग नंबर दिया होगा, तो ये जो ट्रैकिंग नंबर इसको स्पीड पोस्ट की वेबसाइट में जाकर वहां आपको डालेंगे, तो वहां से आप अपने RC को
ट्रैक कर सकते कि आपको कितना दिन लगेगा आपके एड्रेस पर पहुंचने में, तो वहां से आप ट्रैक भी कर सकते जब आपका अप्रूव हो जाएगा। अब दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आरसी में एड्रेस चेंज करना आ गया होगा, कैसे ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं वो भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको भेजने हैं आरटीओ, वो सब चीज आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों अगर आपको मुझसे कोई भी सवाल पूछना है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई प्लीज इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। यदि अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे यूजफुल वीडियो इस चैनल पर आपको मिलते रहेगी। Oh, 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 oh